में पॉल्यूशन लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है, लेकिन बता दें आपको कि बीते 2 दिनों में आज की जो एक्वायर लेवल है वो काफ़ी कम देखा जा रहा है। इस पर हमारे साथ चर्चा करेंगे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी। दिल्ली में लगातार देखा जा रहा है कि एक्वायर लेवल बढ़ रहा है, फिर आज हालांकि कम है। आप केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को भी आप एक चिट्ठी लिख रहे हो, तो क्या कुछ है उस चिट्ठी में, क्या देखिए आज सुधार देखा गया है। कल से जो है दिल्ली के अंदर ग्रैप 3 की तरह कंस्ट्रक्शन को बैन लगाया गया है, गाड़ियों को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, तो सभी प्रयास सरकार कर रही है, आज उसमें थोड़ा सुधार दिख रहा है। लेकिन अभी भी हम गंभीर स्थिति में हैं। दिल्ली से ज़्यादा अगर प्रदूषण देखें तो आज यूपी में ग्रेटर नोएडा में देखा जा रहा है। देश के 53 जो जिले हैं उनमें से 20 हरियाणा के अंदर पोल्यूटेड हैं, तो पूरे उत्तर भारत के अंदर ये प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसको नियंत्रित करने के लिए चाहे वो यूपी हो चाहे हरियाणा हो, भाजपा की सरकारें पूरी तरह से निष्क्रिय हैं। इवन CAQM का जो आदेश है उसको भी फॉलो करने को तैयार नहीं है। CAQM ने आदेश दिया था कि 1 नवंबर से जो डीजल की बसें हैं जो प्रदूषण फैलाती हैं उनको जो है NCR में नहीं चलाया जाएगा, दिल्ली में नहीं भेजा जाएगा। कल रात को 11:30 बजे मैं आनंद विहार गया निरीक्षण करने, क्योंकि 2 दिन से वहाँ AQI बढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि वहाँ सारी बसें जो हैं वो ना तो वो CNG की है, ना इलेक्ट्रिक की है, ना BS, सारी वही पुरानी बसें आ रही हैं और धुआं छोड़ रही हैं। इसलिए आज हमने चिट्ठी लिखी है कि तुरंत मीटिंग बुलाई जाए और जिन राज्यों को जो जो काम करने हैं, जो CAQM ने डायरेक्शंस दिए हैं, उसको सख्ती के साथ लागू कराया जाए। कल आपने LG से भी मुलाकात करी, लेकिन LG ने जब प्रेस रिलीज किया उन्होंने ये जिक्र किया है कि पॉल्यूशन का मेन कारण उन्होंने पंजाब को बताया, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए हमने LG साहब से कहा था कि हमें दिल्ली के अंदर जो जो नियम है उसे सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है और दिल्ली के अंदर सभी अधिकारियों को सक्रिय होने की ज़रूरत है, सभी राज्यों को सक्रिय होने की ज़रूरत है, चाहे वो हरियाणा हो, यूपी हो, राजस्थान हो या पंजाब हो। इवन पंजाब के अंदर पिछले साल से आधी पराली जली है, लेकिन उसे और कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा मानना है कि सब मिलकर के प्रयास करेंगे तब इसका समाधान हो सकता है। एक आखिरी सवाल, स्मोक टावर को लेकर काफ़ी राजनीति देखने को मिले, क्योंकि BJP लगातार आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है कि स्मोक टावर बंद करने की जिम्मेवार, और जो दिल्ली का जो एयर पॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को BJP लगातार बता रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पूरी तरह से, चाहे हरियाणा हो, यूपी हो या केंद्र, पूरी तरह से निष्क्रिय पड़ी हैं। जो पार्टी अपनी सरकारों को जो है वो निष्क्रियता की तरफ पहुंचा चुकी है, अब वो उसके बारे क्या हो सवाल पूछते घूमती रहती है। स्मॉग टावर दिल्ली सरकार ने बनाया, कैबिनेट के फैसले से बना, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से बना, आज केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी चेयरमैन ने उसे बंद करा दिया, भाजपा उससे सवाल नहीं पूछती है, भाजपा ने के काने पे ठप किया गया होगा। इसलिए हमने CM से, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये मांग की है कि उसको तुरंत चालू कराया जाए और जो भी अधिकारी हैं उसको बंद करने के दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गोपाल राय जी से इनका साफ तौर पर कहना है कि इस चीज़ पर कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, सभी राज्य के मंत्रियों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, और ये स्मोक टावर जो है वो केंद्र सरकार के अधिकारी के द्वारा ही बंद किया गया है। दिल्ली से दीपक झा, भारत।